आज हम बनाने वाले हैं बेहद टेस्टी कमाल का एक ऐसा नया नाश्ता जिसे आप जब मर्जी चाहे इंस्टेंट फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। फिर चाहे तो बच्चों का टिफिन है ब्रेकफास्ट, इंस्टेंट 10 से 15 मिनट में ये नाश्ता बनकर तैयार करता है और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनता है, सभी को पसंद आने वाला है। और बनाने का तरीका देखेंगे तो एकदम आसान, और साथ में ही बनाएंगे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट चटपटी इंस्टेंट बनने वाली एक ऐसी चटनी जिसे आप जब मर्जी चाहे बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर एक बीटरूट लिया है क्योंकि बीटरूट का फ्लेवर देकर बनाने वाली है और इससे इसका कलर और टेस्ट और हेल्दी भी एकदम अच्छा बनेगा। तो ऐसे बीटरूट को आप बस छील ले। तो इसे आप दो तीन तरीके से बना सकते हैं। तो मैं इसे बीटरूट के फ्लेवर से बनाकर आपको दिखा रही हूँ। ऐसे बीटरूट के पीसेस कट कर लेंगे। अब इसको गर्म पानी के अंदर डालकर ऐसे थोड़ा सा पकाएंगे कुछ देर के लिए, तो बीटरूट यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है। अगर आप ऐसे पका कर लेते हैं ना तो इसका फ्लेवर थोड़ा अलग सा आता है, पता भी नहीं चलता है इसका मतलब कोई टेस्ट का भी, और अच्छा सा बन जाता है। तो यहाँ पर हल्का सा देखिए, ये मतलब सॉफ्ट हो गया। ठंडा करेंगे, उसके बाद पीस लेंगे ऐसे ही इसको मिक्सर जार के अंदर डालकर। तो यहाँ पर अच्छे से पीस भी जाता है और एकदम अच्छा पेस्ट तैयार हो जाता है। तो ऐसे आप तैयार कर ले। आप चाहे तो बिना उबाले भी इसे ऐसे पीसेस में कट करके थोड़ा पानी डालकर ऐसे पीस कर तैयार कर सकते हैं। अब एक पैन के अंदर डाल देंगे। यहाँ पर एक कप से थोड़ा सा कम मैंने पानी लिया है। अब इसके बाद देखिए, इसके अंदर डाल देंगे जो हमने बीटरूट को पीस कर रखा ना, तो यहाँ पर भी मैंने हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है इसको। अब इसके बाद यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा नमक और साथ में एक चम्मच ऑयल या घी, जो भी डालना चाहिए आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा रेड चिल्ली मतलब फ्लैक्स या सूखी मतलब कुटी हुई मिर्च ली है मैंने, और ऐसे थोड़ा सा पकाएंगे। जैसे ये बस हल्का सा पकना शुरू होगा ना, इसके अंदर एक बॉइल सा आना शुरू होगा, तब इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने एक कप चावल का आटा लिया है और ये चावल का आटा मैंने घर में ही बनाया चावल से। तो यहाँ पर चावल से आप पीस कर ऐसे आटा बना सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर के अंदर आसानी से बन जाता है। तो ऐसे आप बस मिक्स करें और यहाँ पर इसके अंदर जितना पानी मैंने बचाया था ना एक कप से पहले शुरुआत में, वो डाल देंगे पहले। तो यहाँ पर एक कप पानी और एक कप मतलब थोड़ा सा कम उससे मैंने बीटरूट का जूस लिया है, तो आप 1.5 कप मतलब समझ सकते हैं एक कप चावल के आटे के अंदर। थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा तो आप डाल सकते हैं देखिए ऐसे भी, क्योंकि चावल का आटा पानी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम पहले ही बंद कर दी थी और ढककर चाहे तो छोड़ सकते हैं 2-3 मिनट के लिए। स्टीम में अच्छे से ये फूल भी जाता है, सेट हो जाता है आटा, लेकिन मैं इसे तुरंत ही बना रही हूँ, ये ऐसे तुरंत सेट हो जाएगा। अभी गर्म है और मिक्स करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपका जैसे ये डो बहुत ज़्यादा थिक हो गया, ड्राई मतलब सूखा सूखा हो गया, तो ऊपर से ऐसे पानी डाल सकते हैं इसके ऊपर से, थोड़ा सा ऐसे ऐड कर सकते हैं गर्म के अंदर ही और सेट कर ले। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मीडियम सॉफ्टी रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए तैयार है। अब इसको निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी एकदम बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हल्का सा ठंडा होगा तभी आप सेट करें। अभी हाथ पर एकदम गर्म लग रहा है तो कुछ देर छोड़ सकते हैं। बस जैसे ही आप ऐसे अच्छे से सेट करेंगे हाथ से, ये एक डो जैसा तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर अभी भी हल्का सा गर्म है लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं है, तो हाथ से ऐसे टच कर पा रहे हैं, तो डो के जैसा आप तैयार कर लें। अगर आपको लग रहा है तो यहाँ पर हल्का सा हाथ पर ऑयल लगा सकते हैं, उसके बाद इसको ऐसे सेट करें। और इस तरीके से ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है और इसे आप अलग अलग तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको डो तैयार करना है, उसके बाद आप चाहे तो लंबाई में ऐसे बनाएं या फिर राउंड में ऐसे बनाकर देखिए, ऐसे मीडियम साइज के या थोड़े छोटे या बड़े साइज में ऐसी बॉल सी बना ले। ऊपर से ऐसे कांटे वाली चम्मच से थोड़ा सा दबाएंगे, दोनों तरफ से ऐसे एक प्लस का निशान डिजाइन से बन जाता है ऊपर की तरफ। तो एक तरफ ही आप डिजाइन बनाएंगे ना तो अच्छा रहेगा, दोनों तरफ भी बना सकते हैं वैसे, लेकिन राउंड में रहेगा थोड़ा सा एक साइड में ही आप बस ऊपर की तरफ थोड़ा दबाए, तो देखिए ऐसे बन जाता है। तो ऐसे ये बाद में बहुत अच्छा सा डिजाइन दिखता है, दूर से इतना नहीं दिख रहा होगा लेकिन पास से बहुत ही अच्छा सा दिखता है, ऐसा लगता है कैसे बनाया। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसे अलग अलग तरीके से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अभी तो देखिए मैं आपको इसी तरीके से दिखा रही हूँ, आप चाहे तो पहले बनाएं उसके बाद प्लेट के अंदर रखें और ऐसे बना लें, फटाफट बन जाता है, इसमें टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगता और कोई हार्ड भी नहीं है। तो आप चाहे तो नॉर्मल तरीके से ही ऐसे रोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस सभी को ऐसे तैयार कर ले। तो यहाँ पर देखिए सभी को मैंने तैयार कर लिया, देखने में थोड़ा सा अलग सा डिजाइन दिखता है और हेल्दी तरीके से हम बना रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी बनता है, तो ऐसे तैयार करें। अब इसके बाद देखिए मैंने 2-3 गिलास मतलब पानी रख दिया गर्म होने के लिए। जैसे पानी गर्म हो जाता है उसके ऊपर मैंने एक छलनी रख दी, ऐसे ऊपर से हल्का सा ऑयल लगाएंगे, बस यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं, उसके बाद छलनी के ऊपर रख देंगे इसे स्टीम होने के लिए। वैसे तो आप इसे पानी के अंदर भी बॉईल कर सकते हैं लेकिन स्टीम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे से स्टीम हो जाते हैं 10 से 12 मिनट में ये, और गैस की फ्लेम को तेज़ रखेंगे, इसे ढककर यहाँ पर स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर बस
10-12 मिनट या 15 मिनट में ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तब तक हम एक चटनी तैयार कर लेते हैं। मैंने थोड़ी ज़्यादा सी हरी मिर्च ली है, उसके बाद लहसुन की कली और यहाँ पर हरा धनिया लिया है। अब इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर थोड़ी सी मैंने नमकीन भुजिया ऐसे सेव ली है, आप चाहे तो रोस्टेड चना दाल डाल सकते हैं, थोड़ा सा नमक और इसके अंदर पानी डालकर पीस लेंगे और ये फटाफट एक अच्छी चटनी बन जाएगी। आप चाहे तो थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं इस टाइम, इसमें ये चटपटी खट्टी मीठी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, ऐसे आप जब मर्जी चाहे चटनी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चटनी तो देखिए हमारी तैयार है, ऐसे ये चटनी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है इस नाश्ते के साथ में। अब इसको भी हमने देखी स्टीम कर ले, यहाँ पर 12 से 13 मिनट का समय हो गया, मतलब 15 मिनट समझ सकते हैं आप, तो अच्छे से स्टीम हो जाता है, ऐसा नहीं है कि कच्चा रहता है। तो आराम से आप थोड़ी मतलब इतनी देर तक स्टीम करें आप देख सकते हैं, बाद में थोड़ा सा आप चेक भी कर सकते हैं, एकदम स्पंजी सा लगेगा आपको बोल ऐसी। अब दूसरी तरफ एक पैन के अंदर डाल देंगे यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा लहसुन ऐसे चॉप करके लिया है 1 से 2 चम्मच, हल्का सा रोस्ट करेंगे और साथ में डाल देंगे यहाँ पर मैंने थोड़ी प्याज ली है ऐसे कट करके चॉप करके मतलब बारीक, तो ऐसे आप अपनी पसंद से कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हरी मिर्च और मैंने सफ़ेद तिल ली है हल्का सा, इसको भी रोस्ट करेंगे और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी सी हरी मिर्च, आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ऐसे सिंपल तरीके से बनाएंगे ना तब भी ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, जितना आपको स्पाइसी तीखा मतलब पसंद है उस हिसाब से आप ऐसे मिर्च मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा सोया सॉस और 1 से 2 चम्मच टोमेटो सॉस भी डाल देंगे, साथ में काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा कोई भी मसाला सब्जी में डालते हैं आप डाल सकते हैं, थोड़ा नमक, नमक पहले भी हमने ऐड किया था, और थोड़े से करी पत्ते आप चाहे तो डाल सकते हैं, तो पहले भी डाल सकते थे, हल्का सा रोस्ट हो जाते लेकिन इसमें भी हो जाएंगे और ये अच्छे से देखिए फिलिंग सी मतलब तैयार हो जाएगी। और जैसे ही थोड़ा सा मिक्स करेंगे उसके बाद ये पक जाएगी, यहाँ पर डाल देंगे जो हमने तैयार की बोल सी बनाकर, देखिए। और यहाँ पर फिर से मैं दिखा देती हूँ, एकदम सॉफ्ट और स्पंजी। अब इसको इसके अंदर डालकर कुछ देर के लिए यहाँ पर ऐसे रोस्ट करेंगे, पकाएंगे 1 से 2 मिनट, थोड़ा सा चाय तो आप ढककर पका सकते हैं, साथ में थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल देंगे, इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, हल्का सा खट्टापन भी आएगा, चटपटा मतलब थोड़ा सा ऐसा, और टोमेटो केचप डाला है उससे थोड़ा मीठापन भी लगेगा, तो एकदम मंचूरियन के जैसे इसका स्वाद भी आएगा। थोड़ा हरा धनिया डालकर ऐसे मिक्स करेंगे और यहाँ पर ये फटाफट वैसे तैयार हो जाता है, ऐसे ही आपको कुछ ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले हम इसे पका चुके हैं, लेकिन 1 से 2 मिनट इसे ढककर छोड़ देंगे तो ये इसके अंदर अच्छे से मसालों का फ्लेवर जाएगा, तब ये थोड़ा स्टीम होगा पकेगा, तो ऐसे आप तैयार करें। और ये बहुत ही अच्छे से देखिए पककर तैयार हो गया, तो देखकर ही आपको पता चल रहा होगा, और स्वादिष्ट तो बहुत ही ज़्यादा बनता, आप एक बार बनाकर ज़रूर देखना। आपने सिंपल तरीके से चावल के ऐसे बोल्स बनाई होगी, लेकिन बीटरूट का फ्लेवर देकर ऐसे बच्चों के लिए बना सकते हैं हेल्दी तरीके से, और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर खाने वाले हैं, एकदम कलरफुल अच्छा सा नाश्ता तैयार हो जाता है। तो कम से कम तेल में हेल्दी स्वादिष्ट ऐसे नाश्ता आप बनाकर तैयार कर सकते हैं, बच्चों का टिफिन है या ब्रेकफास्ट, जब मर्जी चाहे आप ऐसे बनाकर तैयार करें, सभी को पसंद आने वाला है और स्वादिष्ट तो बहुत ही ज्यादा बनता है, आप इसे एक बार ट्राई करके जरूर देखना। सिंपल तरीके से आपने बनाया होगा इस तरीके से राइस की बोल, लेकिन इस तरीके से आप ऐसे बीटरूट के फ्लेवर में बनाकर देखना, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनता है और अच्छे से पक जाता है एकदम स्टीम होने के बाद, इससे ये सॉफ्ट और स्पंजी मुंह में घुल जाने वाला, एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, आप चटनी के साथ खाएंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप चाहे तो देखिए वैसे भी खा सकते हैं, क्योंकि मसाले वगैरह हमने पहले इसके अंदर ऐसे डालकर फ्राई किया है, तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। बस आप ट्राई करना और कमेंट करके फीडबैक जरूर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ, एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनाया, कट करने से आपको पता चल रहा होगा, बिल्कुल आसानी से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट नाश्ता आप घर पर बना सकते हैं, कम तेल का हेल्दी स्वादिष्ट। चलिए जल्द मिलते हैं और नई वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।